न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को एक सौ बहत्तर रन से शिकस्त दे दी जी हाँ एक सौ बहत्तर रन के वाजे मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और न्यूजीलैंड uh, की टीम जी हाँ बहुत अर्सा हो गया ऑस्ट्रेलिया uh, के खिलाफ कामयाबी हासिल किए हुए और न्यूजीलैंड की टीम की अगर आखिरी कामयाबी देखे जाए अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी हाँ दोनों टीमों का देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने उन्नीस से लेकर अब तक सिर्फ एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है तो ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जारी है और इस मैच की डिटेल आपको बताएं पहले आपको समरी बता दें जनाब कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में जी हाँ कैमरून ग्रीन की ज़बरदस्त एक सौ चौहत्तर रन की नाकबले शिकस्त इनिंग की बदौलत तीन सौ तेरासी रन बनाए और उसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम एक सौ उनासी रन बना सकी जी हाँ ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 204 सौ रन की बरतरी हासिल की और उस 204 सौ चार की बरतरी में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग तरह, दूसरी इनिंग में एक सौ चौंसठ रन बनाए और इस तरह न्यूजीलैंड की टीम को जी हाँ दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने तीन सौ उनहत्तर रनस का टारगेट दिया और उसके ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ एक सौ छियानवे रन बनाकर आउट हो गई इस तरह उन्हें एक सौ टा शुरू की उसे मैच जीतने के लिए दो सौ अट्ठावन रन मजीद चाहिए थे लेकिन नेथन लाइन जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की और दो ओवर के अरसे में उन्होंने तीन विकेटें हासिल की जिसमें रचिन रविंद्रा जिन्होंनेचुरी स्कोर की और ग्लैन फिलिप्स उन्होंने हासिल की और न्यूजीलैंड के मैच में टारगेट अचीव करने के तमाम चांसेस जो है वो खत्म कर दिया डेरल में चले मैं कहूंगा कि अकेले बैट्समैन एंड तक खड़े रहे एक गेंदों पर अड़तीस रन बनाए लेकिन वो उनके लिए सूदमंद साबित ना हुए और उनकी टीम मैच हार गई नेथन लाइन जनाब इन्होंने मैच में दस विकटें हासिल की पहली इनिंग में चार और दूसरी इनिंग में पैंसठ रन के एवर्ज छ विकटे हासिल की और इस तरह पूरे मैच में 108 सौ आठ रन के एवर्ज इन्होंने दस विकट हासिल की और ये पहला मौका है कि न्यूजीलैंड में किसी स्पिनर ने 2006 के बाद किसी स्पिनर ने मैच में दस विकटें हासिल की और साथ ही साथ एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस इनके नाम की गई है कि नेथन लाइन जो है दुनिया के तीसरे स्पिनर बन गए हैं क्योंकि ये इनकी पहली फाइव विकेट हॉल है न्यूजीलैंड में इससे पहले स्पिनर की अगर बात की जाए तो शेन वॉन मुरलीधरन जो है वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में एक इनिंग में पांच विकेट हासिल कर चुके हैं साथ ही साथ ये दुनिया के तीसरे बॉलर हैं जिन्होंने नौ ममालिक के खिलाफ एक इनिंग में पांच विकेट हासिल किए है तो ये जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं रिकॉर्ड हैं जो आपकी नजर हमने किए न्यूजीलैंड की, की दूसरी इनिंग का आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था तीन सौ उनहत्तर रन का टारगेट लेकिन पहली विकेट पंद्रह के स्कोर पर गिर गई टॉम लेथम आउट हुए सिर्फ आठ रन बनाने के बाद नेथन लाइन ने उनको आउट किया कैच पकड़ा एलेक्स कैरी ने और फिर दूसरी विकेट पैंतीस के स्कोर पर केन विलियमसन नौ के स्कोर पर आउट हुए और इनको भी नेथन लाइन ने आउट किया कैच पकड़ा स्टीव स्मिथ ने तीसरी विकेट उनसठ के स्कोर पर विल यंग आउट हुए इनका कैच पकड़ा स्टीव स्मिथ ने बॉलर थे ट्रेविस हेड और उसके बाद से चौथी विकेट 126 के स्कोर पे रचिन रविंदर ये वो मौका है जब आपको नजर आया होगा कि नेथन लाइन जी हाँ इन्होंने अपना रोल अदा किया एक पे तीन आउट थे दो रन चाहिए थे चौथे ओवर का खेल था और न्यूजीलैंड का स्कोर 126 पे पहुंचा 111 से 126 पे पहुंचा, तो रचन रविंद्र अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद उनसठ के स्कोर पे आउट हुए कैच पकड़ा कैमरून ग्रीन ने बॉलर थे नेथन लाइन और फिर पाँचवें विकेट एक के बाद एक हमने देखा कि तीन विकेटें जो गिरी दो ओवर के

और इस कैमरून के, ग्रीन ने इनको आउट किया और आठवीं विकेट मैट हेनरी की है इनको चौदह रन पे इनको आउट किया कैच पकड़ा स्टीव स्मिथ ने बॉलर थे जॉर्ज हेजलवुड और जबकि नौवीं विकेट जो है एक सौ चौरानवे के स्कोर पे टिम सऊदी कैप्टन है न्यूज़ीलैंड के वो आउट हुए कैच पकड़ा मिचेल स्टार्क ने और बॉलर थे नितिन लाइन सिर्फ सात रन बना सके और दसवीं और आखिरी विकेट डैरल मिचल की है और डैरल मिचल को जनाब कॉटन आउट किया जॉश हेजलवुड तो ने इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तीन विकेट हासिल नहीं की जॉस हेजलवु नौ चार और में दो 20 रन और दोन लाइन सत्ताइस ओवर में आठ मेडिन पैंसठ रन और छह विकटें हासिल की पैटकमिन 12 ओवर में एक मेडन 40 रन कोई विकेट हासिल ना कर पाए जबकि ट्रेविस हेड चार ओवर में एक मेडन 10 रन और एक विकेट हासिल की और इसी तरह कैमरून ग्रीन ने ओवर में सोलह रन देकर एक विकेट हासिल एक और रिकॉर्ड आपके नजर करते हैं वो यह है कि ये पांचवां टेस्ट मैच है जी हाँ जिसमें तेरह बॉलरों ने एक विकेट हासिल की 1966 में आखिरी मरतबा ऐसा हुआ था कि तेरह बॉलर्स ने एक टेस्ट मैच में बॉल की और एक एक विकेट हासिल की तो यह उसके बाद से ये पांचवां मौका है जब तेरह बॉलर्स ने एक एक विकेट हासिल की और एक और रिकॉर्ड जैसी कैमरून ग्रीन ने विकेट हासिल की तो ये सातवें बॉलर हैं जिन्होंने मैच में विकेट हासिल की और ये 2012 के बाद ऑस्ट्रेलिया की जानब से ये वाक़ हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने दो में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रोज़े में खेले गए टेस्ट मैच में इनके सात बॉलर्स ने विकेट हासिल की थी तो ये भी एक रिकॉर्ड आपकी नज़र करते हैं जनाब इस टेस्ट मैच के रिज़ल्ट के बाद अगर पॉइंट्स टेबल की जानब ले चलें आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जी हाँ आई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल की जानब तो इंडिया की टीम पहले नंबर पर है आठ मैच खेले पाँच जीते दो हारे एक ड्रॉ हुआ और इनकी विन परसेंटेज है सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव एट दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड जिसने पांच मैच खेले तीन जीते दो हारे और इनके विन परसेंटेज है सिक्सटी तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ग्यारह मैच खेले सात जीते तीन हारे एक ड्रॉ हुआ और इनका विन परसेंटेज है फिफ्टी चौथे नंबर पर बांग्लादेश दो मैच खेले एक जीता एक हारा और इनका 50 परसेंट विन परसेंटेज पांचवें नंबर पे पाकिस्तान जिसने पांच मैच खेले दो जीते तीन हारे और 36.66 इनका विन परसेंटेज छठे नंबर पे वेस्ट इंडीज जिसने चार मैच खेले एक जीता दो हारा एक ड्रॉ हुआ 33.33 .33 विन परसेंटेज सातवें नंबर पे साउथ अफ्रीका जिसने चार मैच खेले एक जीता तीन हारा और ट्वेंटी विन परसेंटेज आठवें नंबर पर इंग्लैंड नौ मैच खेले तीन जीते पांच हारे